सबको जय मसीह की। और इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बाइबल में 40 दिन का उपवास रखा। सबसे पहले मैं आपको मूसा परमेश्वर के दास के बारे में बताऊंगा। जब हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय वचन 9 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोशू परमेश्वर के दास ने भी 40 दिन का उपवास किया। जब हम निर्गमन 24 अध्याय वचन 13 से वचन 18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अब मैं आपको तीसरे परमेश्वर के दास के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि एलिया ने 40 दिन उपवास किया। जब हम पहला राजा उसका 19 अध्याय वचन 8 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हारेब को पहुंचा। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास किया। जब हम मत्ती 4 अध्याय वचन 2 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निर आहार रहा, तब उसे भूख लगी।